Happy New Year to you guys. Let's start today's vlog. Happy New Year to all of you guys. आपका नया साल आप सभी का बहुत अच्छी तरीके से जाए. और हम लोग जा रहे हैं कहाँ पे? जैसे कि मैंने कल बताया था, हमारा ये नया शुरुआत है अनुषा के पापा की, एक नया जर्नी है जो स्टार्ट होने वाला है. सो हम लोग कहाँ पे जा रहे हैं वो आपको वहाँ पे जाके बताती हूँ. एक नया जर्नी है. सो अनुषा तैयार हो चुके हैं ऑलरेडी. अनुषा के पापा चले गए हैं. हम लोग तो पूजा इस साल नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन जितना भी जो भी करेंगे वो एक जो भी पंडित हैं उनको पूछ के ही हम लोग कर रहे हैं. ज़्यादा कुछ भी नहीं कर रहे हैं. तो जस्ट थोड़ा बहुत फॉर्मेलिटी के लिए हम लोग पूजा वगैरह जैसा भी होता है उन पंडित को के अकॉर्डिंग ही हम लोग करेंगे. और वहाँ पे जाके आप लोगों को दिखाती हूँ. ये है आज का मेरा लुक. व्हाइट कलर में मैंने पहना है. अनुषा के पापा ने भी व्हाइट कलर में पहना है. अनुषा ने कौन सा कपड़ा पहना है आपको दिखाती हूँ. तो देखते रहिए, साथ रहिए और हैप्पी न्यू ईयर. साल बहुत अच्छी तरीके से जाए, सबका हेल्थ ठीक रहे हमारे साथ साथ. A few moments later. हाथ धरो. फाइनली हम तीनों निकल चुके हैं और कहाँ पे जा रहे हैं मैं नहीं बता रही हूँ, क्योंकि वहाँ पे जाके आपको पता चल ही जाएगा. फिलहाल हम तीनों बहुत अच्छी तरीके से तैयार है. नया सुबह, नया साल, आप सभी को मुबारक. सो गाइस, फाइनली जो आप लोगों को मुझे दिखाना था वो ये है. ये है अनुषा के पापा का नया ऑफिस. बहुत दिनों से उनका प्लान था ये ऑफिस ओपन करने का, बिकॉज बहुत सारे उनका क्लाइंट आते हैं जो बाहर बातें नहीं कर सकते हैं सभी के साथ. इसी वजह से हमने ये वाला ऑफिस खोलने का प्लान किया. हमने ये भी सोचा था कि अभी खोले या पापा का काम होने के बाद, बट पंडित ने कहा अभी खोल सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. सो गाइज, डू कमेंट आप लोगों को ये ऑफिस कैसा लगा है. एक्चुअली आज का जो दिन था वो बहुत अच्छा दिन था, साल का पहला दिन. इसी वजह से आज हमने प्लान किया था कि ओपन करेंगे. पंडित ने कहा अनुषा को अपने हाथों से नारियल फोड़ने के लिए, और पूजा जैसा भी हो भगवान जी जो है वो हम लोग खरीद के नहीं लेके आए हैं. अनुषा के पापा के जो फ्रेंड है, फूल, भगवान जी जो भी है उन्होंने ही खरीद के लेके आए हैं. और उनके अकॉर्डिंग और जो पंडित है उनके अकॉर्डिंग हम लोग बस माला दे के प्रसाद चढ़ा के पूजा कर सकते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं. और पूजा के जो भी सामग्री है सब उनके फ्रेंड ले ही खरीद के लेके आए हैं. सो बंगाली में माना जाता है इस महीने में कोई भी पूजा नहीं होता है, तो अभी मैं ही पूजा दे रही हूँ फॉर्मेलिटी के लिए, ज़्यादा कुछ नहीं. अभी पापा का जो भी फ़ोटो है उनको भी मैं आराम से लगाऊंगी, धूप चढ़ाऊंगी. और सच बताओ पापा के फ़ोटो के लिए मुझे कोई भी माला नहीं मिला. आज साल का पहला दिन है ना, सभी ने अपने अपने घर की पूजा के लिए फूल बहुत ज़्यादा ख़रीदा होगा, तो ख़त्म हो चुके थे. हमारा ये ऑफिस खोलने का जो भी रीज़न है, मैं चाहती हूँ इस साल वो सक्सेसफुल रहे. जो भी काम, जो भी फ्यूचर में जो भी हो वो सब अच्छा जाए इस साल. पता नहीं कैसा जाएगा, बट पॉजिटिव सोच रही हूँ. ये ऑफिस खोलने का जो मेन रीज़न है वो अच्छा जाए, सभी का हेल्थ ठीक जाए इस साल एटलीस्ट. क्योंकि लास्ट ईयर आप सभी को पता है मेरे फादर इन लॉ, मेरे ग्रैंडफादर दोनों का ही देहांत हो चुका था. तो सभी का हेल्थ पहले है, उसके बाद काम तो होता ही रहेगा. एंड वन मोर थिंग, जो भी मेरे यूट्यूब फैमिली है, फेसबुक, इंस्टाग्राम,
जहाँ पर भी, जहाँ से मुझे फॉलो कर रहे हैं आप, मेरे वीडियो देखते हैं डेली या कभी कभार, सभी का हेल्थ ठीक जाए, अपने फैमिली के साथ आप सभी का भी इस साल का जो जर्नी है अच्छा जाए, यही मनोकामना है। सो गाइज, और एक बात है, ये हमारा नया ऑफिस आप लोगों को कैसा लगा है कमेंट में ज़रूर बताएं। हालांकि अभी भी बहुत से काम बाकी हैं और कंप्लीट होने के बाद आप लोगों को दिखाऊंगी ही, क्योंकि आप लोग को सब कुछ दिखाती हूँ। साथ में अनुषा का ये जो नारियल है मैं साफ़ कर रही हूँ ताकि आराम से अनुषा तोड़ पाए बाहर, और पानी जो है मैं सभी जगह पर छिड़क दूँगी। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है, अनुषा जब से यहाँ पे आई है ना, अनुषा बहुत ज़्यादा खुश है। यहाँ पे बहुत सारे डेकोरेशन का सामान रखा गया है, ये सेल के लिए भी है और ऑफिस को ज़्यादा खूबसूरत दिखाने के लिए भी है। अनुषा को सब कुछ चाहिए था, बहुत ज़्यादा क्यूट प्यारे प्यारे डॉल्स थे। और शायद मैं कैप्चर वीडियो में करना भूल चुकी थी, काम ज़्यादा था इसी वजह से, बट अनुषा जब से देखी है तब से उसको चाहिए था कुछ ना कुछ, जो कि पॉसिबल नहीं है। बट अनुषा के पापा ने कहा है एक आधा मैं दे दूँगा अनुषा को ताकि वो घर पे लेके जा सके। सच बताऊं बहुत कम क्वांटिटी में हमें फूल मिला था, फूल तो और पूजा के जो भी सामान है वो हम लोग खरीद के नहीं ले आ पाए। इसी वजह से अनुषा के पापा के फ्रेंड को कहा गया था ताकि वो लेके आए, उनको भी बहुत कम फूल मिला था। तो जो है मेरे पास उसी से ही मैं काम चला रही हूँ और मुझे लगता है जितना भी हुआ है ना वो ठीक ही लग रहा है, मैंने बहुत हद तक मैनेज किया। बस सबसे बुरा यही लगा मेरे फादर इन लॉ का, फ़ोटो के लिए भी मुझे माला नहीं मिला था। बहुत सारे दुकान में हमने ढूंढा बट हमें नहीं मिला। सो कोई नहीं, सब कुछ एक साथ में तो अरेंज करना पॉसिबल नहीं है उन सभी के लिए जो खरीद सकते हैं, हम लोग तो नहीं खरीद सकते, इसी वजह से बहुत कुछ इधर उधर हो चुका था। तो भगवान जी को बहुत अच्छी तरीके से मैंने यहाँ पे सेट कर दिया है, और गणेश जी का फेवरेट दो ही कलर का फूल, एक लाल एक येलो, दोनों ही मैंने लगा दिया है। सो ऑलमोस्ट मेरा पूजा ख़त्म होने को है, बस अभी धूप चढ़ाऊँगी और इसके बाद हम लोग जाएंगे मेरे पापा की दुकान पे, होटल पे, जो आज ही ओपन होने वाला है। तो हमारे घर पे भी इस साल अशुद्ध की वजह से पूजा नहीं हो सकता है, तो वैसे ही हमारे पापा के वहाँ पर भी मेरे ग्रैंडफादर का ध्यान होने की वजह से इस साल पूजा वगैरह तो नहीं हो रहे हैं, नॉर्मल हमारी तरह ही पूजा दे के ओपन कर रहे हैं होटल को। और देखिए भगवान जी को मैंने तैयार कर दिया है, कैसा लगा है कमेंट में ज़रूर बताएं। পাপোচ কিনতে হবে, ঠাকুরের থালা বাসন কিনতে হবে, আর একটা ধূপের ওই গোল গোল কিনলেই ভালো, কি ওর মধ্যেই ছাইটা পড়ে। গাছগুলোতে মাটিও দিতে হবে। হ্যাঁ একটু আমরা আধ ঘন্টার মধ্যেই চলে যাবো। হ্যাঁ নিভিয়ে দিয়ে যাবো। নারকেল থেকে ভেটাবে কি হলো, একটার থেকে দুটো হয়ে গেল?
ওই ওই ঠাকুরকে নমস্কার করে আসো, জুতো খুলে পড়তে হয়। তাহলে দেবো না, তাহলে আমি দেবো না, তাহলে আমি দেবো না। আমি তো যাবো, শুনলাম ও পাঁচটা সাড়ে পাঁচটায় বাড়ি ঢুকেছে। হ্যাঁ, ও দিদিকেও বলেছিল। ছাড়া আর কী করবো, আমরাই চলে যাবো ওর কাছ থেকে চাবিটা নিয়ে আসবো, তোর সাথে চলে যাবো আমি আসার সময়। এ তো বোকা মেয়ে, ওকে দেবি না কিছু কিনে, ওকে চকলেট কিনে দিবি না। উড়ে বাবা, ছা শোয়া তুই ফাটা। টাচ করিনি একবার, এই যে ওর হাতে না লেগে যায়। ভেতরে একটু ছিটিয়ে দিস, ভেতরে একটু ছিটিয়ে দিস। तो फाइनली हम तीनों निकल चुके हैं ऑफिस का बहुत अच्छी तरीके से पूजा देके। हम लोग आ चुके हैं हमारे पापा का नया होटल पे, जो कि अभी इस टाइम पे बहुत ही बड़ा साइज में हो चुका है, और अभी बहुत से काम बाकी है। जब यहाँ पर भी सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा तब ज़रूर आप लोगों को फिर से दिखाऊंगी। हालांकि अभी भी 70% कह सकते हैं कम्प्लीट हैं, और हमारे ऑफिस का भी सेम ही हाल है। ये कह सकते हैं कि मेरे पापा बहुत दिनों के बाद खुश हैं कि फिर से जो हमारा होटल है वो चालू हो चुका है, सब कुछ अपनी जगह पे फिर से आ चुका है। कुछ दिनों में ऑनलाइन भी चालू हो जाएगा और सब कुछ सही हो जाएगा। सो गाइज, फाइनली मैं घर पे आ चुकी हूँ। आप सभी ने देखा होगा कहाँ पे क्या क्या हुआ क्या नहीं। और घर पे आके एक्चुअली सुबह ना हमारे जो नया दुकान है आपने देखा, तो वहाँ के लिए हमने पूजा के फूल ज़रूर लिए थे, लेकिन फर्स्ट जान है कहीं पर भी ना फूलों का जो माला होता है वो हमें नहीं मिला था। और घर के लिए भी अलग से मुझे लेना था, और मेरे फादर इन लॉ की फ़ोटो के लिए भी लेना था, लेकिन मिला ही नहीं। सो इसी वजह से मैंने जस्ट फूलों से पूजा दिया है, और घर के लिए ही जो भी बचा कुचा फूल था मैं लेके आई हूँ, बिकॉज माला हमें सच में नहीं मिला था। तो घर पे भी मैं माला नहीं दे पाई, इवन दुकान पे भी जो फ़ोटो है फादर इन लॉ का वहाँ पर भी मैं नहीं दे पाई। जस्ट यहाँ पे आके उनका बहुत फेवरेट ये जो मिठाई मैंने दिया है उनको, उनको बहुत पसंद था, इसी वजह से मैंने ये आज खरीद के दिया, खरीद के लेके आई हूँ। सो अनुषा और मेरी मदर इन लॉ वही घर पर है, और फिलहाल हम मैं कपड़े वगैरह चेंज करूँगी, और ये आज का मेरा लुक था। मैं आपको वो प्रॉपर दिखाती हूँ, वेट। सो दिस इज़ माई लुक। इसके लिए नीचे मैंने यहाँ पे वाइट कलर का लेगिंग्स डाला है, और ये सूट मुझे बहुत पसंद आया था, सो ये मैंने आज पहना है। वाइट कलर में है, प्रिंटेड है फूलों जैसा, पिंक एंड वाइट कह सकते हैं। और बस, और हाँ, मैं और अनुषा के पापा दोनों ही मैच कर चुके हैं आज, दोनों ने ही वाइट पहना था। सो अभी मैं जाऊंगी मेरी बड़ी मामी के घर पे, आज वहाँ पे लंच है हमारा, फर्स्ट जान है। आई थिंक सभी के घर पे पिकनिक या कुछ भी ना कुछ होता ही है, तो इसी वजह से हमने प्लान किया कि फर्स्ट जान सभी एक साथ सेलिब्रेट करेंगे, खाना वगैरह खाएंगे। मुझे लगता है ना फर्स्ट जान सभी भी, आई थिंक सभी यही सोचते होंगे कि फर्स्ट जान अगर एक साथ मनाया जाए, फर्स्ट जान एक साथ रहा जाए पूरे साल, सभी लोग एक साथ रहते हैं, ऐसा हम लोग मानते हैं बंगाली लोग।
बहुत कोई मानते हैं कि फर्स्ट जैन झगड़ा नहीं करना चाहिए, कुछ भी ख़राब नहीं होना चाहिए, अपशगुन नहीं होना चाहिए, खुश रहना चाहिए ताकि पूरा साल ऐसा ही जाए। तो ऐसा ही आप लोगों के लिए भी मैं बोलूँगी, खुश रहे, ये साल आप सभी के लिए बहुत अच्छा जाए। बस मैं अभी कपड़े वगैरह चेंज करूँगी और वहाँ पे मिलती हूँ आप सभी से। वहाँ पे जाके मुझे आज रेसिपी भी बनाना था, बट पता नहीं कितना क्या हो पाएगा क्योंकि काफ़ी लेट हो चुका है। अभी बजरे वाले हैं 3, मैं काफ़ी लेट आई हूँ क्योंकि आज मेरे अनुषा के पापा का भी दुकान ओपनिंग था। इवन मेरे पापा, आई मीन मेरे जो पापा है उनके होटल भी आज ओपनिंग था, तो दोनों जगह पे बैलेंस करते हुए काफ़ी लेट हो चुका है। सो चलिए वहाँ पे जाके मिलती हूँ, पहले मैं फ्रेश हो जाती हूँ, कपड़े चेंज करती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। सो घर पे आके ये जो है प्लेट निकाल रही हूँ, ये मेरे फादर इन लॉ के लिए है और उनका इस टाइम का फेवरेट जो मिठाई है वही मैं लेके आई हूँ। आज अनुषा के पापा का नया ऑफिस खुला है, अगर वो होते ना शायद हर रोज़ मुझे बोलना भी नहीं पड़ता, वो ऑफिस अपने आप चली जाते और बहुत खुश होते। अभी भी अगर ये देख रहे हैं वो बहुत ज़्यादा खुश हो गए, हमें ज़रूर आशीर्वाद दे रहे होंगे और उनके लिए इस साल का ये जो मिठाई है मैं लेके आई हूँ उनको बहुत पसंद था। और हमेशा मेरे लिए मिठाई हो, फ्रूट हो, अनुषा के लिए भी पहला हर साल का वो ही लेके आते थे। हर दिन जितना टाइम गुजर रहा है मुझे लगता है फादर इन लॉ का जो भी मेमोरीज़ है ये कह सकते हैं कम होते जा रहे हैं, ये होता ही है सभी के साथ। बट कुछ कुछ टाइम पे जो है हमेशा हमें याद आता है कि इस टाइम पे अगर मेरे फादर इन लॉ रहते तो शायद हम सभी से पहले वो उठ के रेडी हो के ऑफिस जाते और हमें भी फोर्स करते जल्दी रेडी हो जाओ आज ऑफिस ओपन होने वाला है। क्योंकि हमारा जो रेस्टोरेंट भी था ना जब ओपन होने वाला था सबसे ज़्यादा खुश, सबसे ज़्यादा तैयार होके वो ही निकलते थे हर रोज़, इवन शाम के टाइम भी और सुबह भी। जो भी सामान अगर रेस्टोरेंट पे ख़त्म हो जाते थे वो बोलते थे कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं लेके आता हूँ, मैं लेके आता हूँ। स्टाफ को भी ज़्यादा काम, जितना भी कम काम करना पड़े वो देखते थे सब कुछ। सो फाइनली मैं तैयार हूँ, बहुत सारे कपड़े मैंने धोया था, सब कुछ लेके आ चुकी हूँ, मैंने सूट भी चेंज कर लिया है, बस अभी निकल रही हूँ, वहाँ पे जाके मिलती हूँ। न्यू ईयर बंधुरा, आज के हमरा रान्ना करेछि माछेर माथा दिए बाँधाकपि, भांगर माछ, मुसुर डाल, सलाद काटा हयेछे, मुर्गीर माँस, भात। तो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। और अभी शाम के टाइम पे मेरी बड़ी मामी के घर पे फ्रेंड और फैमिली मिल के एक छोटा सा गेट टुगेदर रखा गया है, कल भी पिकनिक कह सकते थे था और आज भी वही है। तो शाम का जो व्लॉग है ना मैं पूरा ही म्यूट करके कर रही थी क्योंकि गाना बहुत तेज़ चल रहा था और बहुत तेज़ चलने के कारण कॉपीराइट भी हो सकता था। यहाँ पे मैं बना रही हूँ सभी के लिए कॉफ़ी जो कि ठंड के टाइम बहुत मस्त लगता है पीने में।
तो डिनर यहाँ पे हमारा बन चुका है और अभी सभी का खाना हम लोग सर्व करेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं। तो फाइनली इस साल का हमारा नया व्लॉग होता है यहीं पे खत्म। मिलते हैं कल के व्लॉग में। होप यू एंजॉय दिस व्लॉग। इफ यू डिड डू सब्सक्राइब। और आप सभी का इस साल बहुत अच्छी तरीके से जाए। बाय बाय, सी यू ऑन माय नेक्स्ट व्लॉग।